नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। दादी और नानी के खजाने में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में अक्सर हम तनाव के शिकार होते हैं, तो इस तनाव को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपचार। तनाव दूर करने के लिए बादाम आसानी से मिलने वाला घरेलू उपचार है, क्योंकि ये सभी के घर में मौजूद होता है। तो अपने आहार में गर्म दूध के साथ 5 बादामों का समावेश करें। आप दिन में 2 या 3 बार दूध या शहद के साथ 1 ग्राम काली मिर्ची का सेवन भी कर सकते हैं, इससे भी तनाव दूर हो जाएगा। नीम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इसका उपयोग करने से कई तरह के चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं, और ये तनाव के लिए भी एक घरेलू अच्छा उपचार है। नीम का पाउडर, नीम को आप सुखा लें उसके पत्तों को, और फिर उसका पाउडर बना लें और उसका पाउडर सिर पे लगा दीजिए, तो आपको तनाव दूर करने में ये बहुत ही अधिक फायदेमंद सिद्ध होगा। तनाव के साथ साथ अक्सर हमें सिर दर्द भी रहता है, तो सिर दर्द होने पर शुद्ध शहद का लेप सर के ऊपर करना चाहिए। कुछ ही समय में सर दर्द खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आपको लगे कि सर दर्द शुरू हो रहा है, 1 ग्लास कुनकुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालकर पी लीजिए। आपके सर दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आधा चम्मच शहद और 1 चम्मच देसी घी मिलाकर सिर पर लगाना चाहिए। घी तथा शहद के सूखने के बाद दोबारा इस लेप को फिर लगाइए। यदि पित्त के कारण सिर दर्द है तो दोनों कन पट्टियों पर शहद लगा लीजिए, थोड़ा शहद का सेवन भी कर लीजिए, सर दर्द में राहत मिलेगी। सर्दी गर्मी में पाचन क्रिया की खराबी के कारण भी सिर में दर्द होता है, तो उसको दूर करने के लिए नींबू के रस में शहद को मिलाकर माथे पर लेप करना चाहिए। तो इस तरह से हम इन घरेलू उपचारों का उपयोग कर सरदर्द और तनाव से दूर रह सकते हैं और इससे हमें राहत मिल सकती है। धन्यवाद।